हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज है वुमेंस डे और हैप्पी वुमेंस डे। देखिए मैं आप लोगों के लिए आज वुमेंस डे पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लेके आई हूँ, जो purple.com पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं इस टाइम, स्किन केयर से रिलेटेड और हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई हैं स्किन केयर से रिलेटेड और हेयर वगैरह से रिलेटेड। उसके लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट आते रहते हैं कि मैम हम अपनी स्किन की किस तरीके से केयर करें, किस तरीके से अपने हेयर की केयर करें ताकि हमारा बाल टूटे नहीं और हमारे बाल सिल्की स्मूथ रहें। तो देखिए मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं, बट आप लोग टाइम टू टाइम पर उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कमेंट मेरे पास इस चीज़ के भी आते हैं कि मैम जिस टाइम पे आप हमें बताती हैं उस टाइम पे हम वीडियो देख नहीं पाते और उसके कुछ दिन बाद जब देखते हैं तब तक वो ऑफ़र ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए मैंने आज आपको टाइम से अपडेट करने की कोशिश की है, और आज वैसे भी वुमेंस डे है तो बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट करिए अपना डे, क्योंकि आज औरतों का ही डे है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी जिन जिन प्रोडक्ट के मेरे पास अवेलेबल होंगे, और बाकी आप जाके साइट पे चेक कर लीजिएगा, साइट का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज काफ़ी प्रोडक्ट, मतलब कामा आयुर्वेदा पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, प्लम पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, और मतलब काफ़ी जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट होते हैं उन पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो purple.com पे आज लगभग सभी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट है वुमन डे के दिन, तो और मेकअप प्रोडक्ट पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट है, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को टाइम से अपडेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि देखिए अगर ये ऑफ़र जो आते हैं ना एक दिन दो दिन या फिर 24 घंटे इतने ही टाइम के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आते। अब आप वुमेंस डे है आज, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर लेडीज़ लोगों के लिए बहुत अच्छे से ऑफ़र निकाले हैं, तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, थोड़ा टाइम निकालिए घर के। देखिए घर के काम तो लगे ही रहते हैं, इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल ये सोचिए कि ये तो हमारी लाइफ स्टाइल है एक, के घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। और जब लेडीज़ ये बात बोलती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता और ओनली फॉर, देखिए वर्किंग लोगों के साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम मैं आपको समझ सकती हूँ कि वर्किंग लोगों के साथ में सबसे मेन प्रॉब्लम जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं, देखिए उन्हें घर भी संभालना होता है और अपना बाहर का जो भी उनकी जॉब वगैरह होती है या बिजनेस होता है तो वो भी करना होता है, बट हम लोग लेडीज़ हैं तो लेडीज़ आप समझ सकते हैं वुमेन पावर, जितना भी हम लोगों को कोई कुछ भी काम करने के लिए देते तो हम लोग पीछे कभी नहीं हट सकते, क्योंकि हम लोगों के अंदर होता है ये चीज़, हमारे अंदर नेचुरल होती है कि हम लोग, देखिए जेंट्स को लोग कहते हैं जेंट्स के बगैर भी इस दुनिया में कुछ नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, बट जेंट्स को हम लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट लेडीज़ उससे ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी टिपिकल काम है वो लेडीज़ को ही दिए हैं भगवान ने, वो जेंट्स कभी नहीं कर सकते, और जो जेंट्स को काम दिए हैं भगवान ने वो लेडीज़ आई थिंक आधे से ज़्यादा काम लेडीज़ कर लेती हैं। अब आप सोचिए जेंट्स आजकल जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में लेडीज़ भी उनके साथ में आगे बढ़ रही हैं, और बहुत पहले क्या था, पहले लेडीज़ बाहर काम नहीं करती थी, ओनली फॉर घर पे ही उनका काम होता था, बट आजकल लेडीज़ घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालती हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। देखिए बिल्कुल मैंने एक चीज़ देखी है, जो लोग वर्किंग होती है ना लेडीज़, वो लोग घर भी और अपना जो भी उनका बिजनेस या फिर ऑफिशियली वर्क होता है वो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, घर भी बहुत अच्छे से चलाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो लेडीज़ नहीं कर सकती हैं आज की डेट में। तो इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आगे, अब जो हमारी जनरेशन है, जो हमसे पहले की जनरेशन थी वो अलग थी, आज की जनरेशन अलग है, और जो हमसे आने वाली जो आगे जनरेशन आएगी वो और भी एडवांस आएगी, तो हम लोगों को उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, खासतौर से लड़कियों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और उन लोगों की हर जो भी उनका करने का मन है उस चीज़ में, मम्मी पापा को भी और जो भी आसपास के लोग जो होते हैं, देखिए किसी को भी ना बिल्कुल भी मतलब उनके मनोबल को गिराइए नहीं, अगर कोई बच्चा कुछ करने का सोच रहा है तो उसके मनोबल को गिराइए नहीं, आप उसको पहले से ही ये कहना मत शुरू कर दीजिए ये आपसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा। देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, और उसे लेडीज़ भी कर सकती हैं, उसे जेंट्स भी कर सकते हैं, तो एक चांस हमेशा हमें अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए कि वो आगे बढ़ें, करके देखें उस काम को, अच्छा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है हम हर काम में हाथ डालें और वो हर काम परफेक्ट ही हो भाई, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगर किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें सक्सेस ही मिलेगी, बट अनसक्सेस भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, और मैं आपको मानती हूँ जो लोग एक बार अगर किसी चीज़ में अनसक्सेस हो जाते हैं वो लोग अगली बार जब किसी काम को करते हैं तो उसमें दुगने तिगनी एनर्जी लगा के करते हैं और वो उस काम को ज़रूर सक्सेसफुली कर लेते हैं।
तो अनसक्सेस होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है तब तक हमें चलना नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इंसान के लिए ठोकर खाना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम इस तरीके की ठोकरें खाएंगे, अपने काम जो हमने स्टार्ट किया है उसमें हमें थोड़ा कम जैसा रिस्पांस हमने सोचा था वैसा रिस्पांस जब हमें नहीं मिलेगा, तो हम अपने काम को और अच्छे से करेंगे और उसमें एनर्जी लगाएंगे, तो हो सकता है वो काम हमारा आगे को और भी अच्छे से हो, जितना हमने सोचा था उससे बहुत बेटर में हो जाए। तो देखिए, मेरा मानना तो यही है, कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। और ख़ासतौर से मैं लेडीज़ लोगों के लिए बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आती हैं जिन लोगों ने अपने पार्लर रन कर रही हैं जो, और वो लोग बोलती हैं मैम हमारा पार्लर नहीं चल पा रहा है, एक साल हो गया हमारे पार्लर को, दो साल हो गया हमारे पार्लर को, बट वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है। देखिए, धीरे धीरे कुछ अपने अंदर चेंज लाइए, कुछ अपने पार्लर के अंदर चेंज लाइए। मैं ओनली फॉर पार्लर के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको किसी भी फील्ड में है, आपको लग रहा है कि जैसा रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं या तो हम गलत हैं या फिर हमारे काम करने का तरीका गलत है। तो हमें दोनों में सुधार लाना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सुधार ला के देखिए, अपने काम करने के तरीके में सुधार ला के देखिए, थोड़ा अपने बोलने चालने में सुधार ला के देखिए, और उसके बाद हो सकता है आपका जो भी बिजनेस आपने चुना हो वो बहुत अच्छे से चले। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को यही इसी दुआ के साथ वीडियो का एंड करती हूँ कि आज के दिन जो लेडीज़ भी अपना जो भी काम कर रही हैं, चाहे वो हाउसवाइफ बन के कुछ काम कर रही हैं, चाहे वो वर्किंग बन के कुछ काम कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, उन लोगों को उस चीज़ में बिल्कुल सक्सेस मिलना चाहिए। और बहुत अच्छे से आप लोग अपने काम को करते रहिए, ये मत सोचिए। देखिए, किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, हम लोगों को भी वो टाइम उसे देना पड़ता है। और अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो एक साल डेढ़ साल कोई इतना बड़ा टाइम नहीं होता है बिजनेस को चलने के लिए। बिजनेस को चलाने के लिए तीन तीन चार चार साल लग जाते हैं, तब जाके कहीं हमें हमारे मतलब का बिजनेस समझ में आता है कि अब चल रहा है। तो देखिए, टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे एकदम से नहीं स्टार्ट हो जाती है, वो आपका लक है कि आपने स्टार्ट की और आपका तुरंत चल गया, वो आपका लक है। बट देखिए, उस लक के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी मेहनत ज़रूर होती है, क्योंकि जो लोग मेहनत करके काम करते हैं वो सक्सेस तो ज़रूर होते हैं, चाहे थोड़ा लेट सक्सेस हों लेकिन होंगे ज़रूर। तो देखिए, इसी चीज़ के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आज का डे आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं घूमने जाइए, पति कहे नहीं नहीं आज वुमेंस डे है तो घूमने तो नहीं लेके जा सकता मैं तुम्हें, बट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। आज अपने आप से कोई प्रॉमिस करिए कि मुझे आज से ये काम, अगर कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर बैड हैबिट है तो आज प्रॉमिस करिए आप अपने आप से कि ये बैड हैबिट मैं आगे नहीं करूँगी, या मेरे बिजनेस में अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं कोशिश करूँगी अपने बिजनेस को और अच्छे से ग्रो करने की। तो इसी तरीके के कुछ छोटे छोटे प्रॉमिस लीजिए अपने आप से। और देखिए, हम लोगों को सुधार सिर्फ हम सकते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। हम कोई भी काम स्टार्ट करें तो आप सोचें कि हमें कोई दूसरा सुधारेगा, नहीं, हमें अपने काम में खुद सुधार लाना होता है। अगर आप अपने साथ एक टीम के साथ भी काम कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि पहले टीम सुधरेगी, पहले हमें सुधरना पड़ेगा फिर उसके बाद हमारी टीम सुधरेगी। जब हम एनर्जी के साथ काम करेंगे तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, जिन लोगों को हमने हायर किया हुआ है या जिस ऑफिस वगैरह में हम लोग काम कर रहे हैं, उस ऑफिस के जितने भी लोग हैं जो हमारे नीचे काम करते हैं, तो आपने देखा होगा जब बॉस बहुत एनर्जेटिक होता है तो उसके साथ में काम करने वाले भी बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जब बॉस बहुत साफ सुथरे तरीके से काम करता है तो उसके साथ में जो रहते हैं वो भी बहुत साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं। तो देखिए, हमें ओनली फॉर अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी है, हमें दुनिया को सुधारने के लिए नहीं निकलना है, क्योंकि अगर हम दुनिया को सुधारने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है हम भी बिगड़ जाएं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप की हैबिट जो है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज इन्हीं सारे प्रॉमिस के साथ, और जो मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे ऑफर लेके आई थी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, और एक बार मेरे लिंक के थ्रू वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। हो सकता है आपको स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड या हेयर केयर से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएं जो आप लोगों के लिए आगे के लिए बहुत अच्छे हों। तो इसी होप के साथ आज मैं वीडियो का एंड करती हूँ, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।